आप रख दीजिए थर्सडे फ्राइडे मंडे और वेडनेसडे, चार दिन में आपका पैसा चुका दूंगा, ये मेरी गारंटी है। वन पॉइंट सर। अच्छा सर, हाँ वो वी वांट मनी बैक। Hi guys, welcome to my channel. This is a story of a con man that affected me along with many other families across the country. He has done many scams before. He has done scams with different names, with different things involving different people. So in 2015 I bought an apartment and it turned out to be a scam. When we realized that it is a scam, we cancelled the booking. But they refused to make the refund. So we went to the police station. But police did not do much. Later we realized ki ye koi chota mota scam nahi hai. It involved political people as well. Everybody sit, please. Can we sit? Once we come to conclusion, I will give a video. No, we'll take video. मुझे सिर्फ देखिए बैंक हॉलीडेज है, हमारे पास कुछ नहीं है। थर्सडे को बैंक खुलती है, फ्राइडे को खुलती है, ठीक है, मगर बोलने का टाइम दीजिए, कंप्लीट कीजिए। आप सोचेंगे थर्सडे को बैंक है खुली, फ्राइडे को बैंक खुली, नेक्स्ट मंडे को खुली और वेडनेसडे को, चार दिन में आपका पूरा पैसा मैं लौटा दूंगा, ये मेरी गारंटी। मैं आपको वीडियोग्राफ करके, हम आपको स्टैम्प पेपर पे साइन करके जो वीडियो लेना है, ठीक है, इससे हमारी आपको गारंटी चाहिए तो हमारा जो रजिस्टर्ड लैंड है आपको मैं अभी लिख के देता हूँ, हम साइन करके देते चाहे तो आपको गारंटी हमारी लैंड है 40,000 square feet का लैंड है जो सेल्डीड हमारे नाम से, सेल एग्रीमेंट करके हम साइन करके लिख के देते हैं आपके नाम से, जब तक वो नहीं देंगे आप हमको दे दो। और क्या चाहिए, मेरी गाड़ी दो, आप तो मेरी गाड़ी भी आपके पास। गाड़ी क्यों से बन रहे, मैं उस तब तक ऑटो में घूमूंगा आपके सामने, मैं वो भी आपके पास, इससे ज्यादा मैं रिक्वेस्ट नहीं करता। ओके, प्लीज, क्या है, हम ऐसे करके कुछ सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं आज, एक आज के रेट में नहीं है। थर्सडे को बैंक खुलती है, फ्राइडे को बैंक खुलती है, इमीडिएटली पैसा आ जाएगा, और आप ये हमारे सबके लिए अच्छा है। थर्सडे फ्राइडे मंडे और वेडनेसडे, चार दिन में आपका पैसा देता हूँ पूरा, और मैं इतना बोल रहा हूँ, मेरी गाड़ी आप रख दो आप करी। डोंट रेस्पॉन्ड टू हिज वर्ड्स, लेट हिम स्पीक व्हाट ही वांटेड टू स्पीक, डोंट रेस्पॉन्ड। और हमारी जो लैंड है 10 करोड़ 15 करोड़ की लैंड, आपको देता हूँ लैंड, आपके नाम पे लिख के देता हूँ अभी, जब तक वो आपका पैसा नहीं देगा वेडनेसडे चार दिन में, आप मत दो, इससे ज्यादा मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कोई सोल्यूशन नहीं, प्लीज जस्ट ट्राई टू कोऑपरेट अस सो दैट इश्यू विल बी सॉर्टेड आउट। हमारे सबके लड़के कुछ नहीं मिलने वाला, हम आप मीडिया बुलाएंगे कुछ भी, हम रस्ते पे आएंगे, लॉकआउट हो जाएगा तो किसी को पैसा नहीं मिलेगा, कोर्ट में जाएगी किसी को पैसा नहीं मिल रहा, आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, कुछ नहीं है, मतलब आपको चाहिए तो मैं भी नहीं है, कानून नहीं सर, सर मैं अभी चाहे तो मैं स्टेशन अभी जाता हूँ, आप कर दो केस, ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी मेहनत की है, हमारी गलती हुई है, हम ऐसे नहीं बोल रहे, लेकिन हमने प्लीज, और आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी देने का बस, जिससे हम लोग सबको समाधान मिले।
एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आपको सब सुन, मैं बोल रहा हूं ना कि आपको सेल एग्रीमेंट चाहिए तो रजिस्टर पूरा लैंड आपके नाम पे चाहिए तो अभी लैंड सिल बोर्ड अभी एक लैंड आपके नाम पे जो हमारे नाम पे उसके ओरिजिनल पेपर देता हूं आपको, जो लैंड के ओरिजिनल पेपर है ओरिजिनल पेपर आपको देता हूं, ओरिजिनल फाइल है वो, मेरी गाड़ी के पेपर के साथ आपको देता हूं, आप रख दीजिए थर्सडे फ्राइडे मंडे और वेडनेसडे, चार दिन में आपका पैसा चुका दूंगा, ये मेरी गारंटी है। Till that nobody will speak. Okay. Okay. Till that nobody respond and speak. हम लोग अभी ये फाइट करके कुछ हम लोग रास्ते पे आएंगे और पैसा किसी को नहीं मिलने वाला, इसलिए बोलता हूँ गाइस, ओनली वी वॉन्ट आवर मनी बैक, we want money back. Till that we don't leave. सचिन भाई क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपकी बात समझ में आ गई, हम आप सेम रिपीट कर रहे हैं, क्यों सेम रिपीट कर रहे हैं, सुनिए आरती, हेलो हेलो कम कर रहे प्लीज 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 यू वांट टू कम सर सर आजा जा या 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 दैट्स व्हाई वी आर कंट्रोलिंग, नो नीड ऑफ यू, वी विल कंट्रोल। This was a 2000 crore rupees scam in Bangalore. And Hrithik Roshan came for the inauguration of this company, by the way. The scam was all over the news. Mehengi gaadiyan, IPL ki Royal Challengers Bangalore team mein nivesh aur ek Hindi film ka nirmaan. Apne mehenge shauk pura karne ke liye Sachin Nayak ne fasaya un middle class logon ko jinki aankhon mein sapna tha apne dream home ka. Humne ye scheme dekhi thi, wo 26 lakh mein 2 BHK de rahe the. तो बहुत ही अच्छी स्कीम थी तो हमने सोचा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, देन हम लॉयर के पास गए तो हमने डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेक करवाया तो सब कुछ सही था, और उन्होंने हमें 2-3 बिल्डिंग भी दिखाई थी जो कि फुली कंस्ट्रक्टेड भी थी, अच्छे से था सब कुछ और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तो हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। इस फर्जीवाड़े की शुरुआत हुई साल 2012 में जब सचिन नायक ने 4 कंपनियों के सहारे बंगलुरु के लोगों को ठगने का प्लान बनाया, लोगों को शहर के जिन प्राइम लोकेशंस पर सस्ते घर देने का वादा किया गया वहां सिर्फ बंजर जमीन दिख रही है। बहुत प्लानिंग्स थे हमारे कि हमें एक घर लेना है कौन से एरिया में, बहुत सारी चीजें हमने सोची थी, लेकिन उसके बाद जब ये हुआ तो बिल्कुल ही हम लोगों के सपने ये कहिए टूट गए बिल्कुल, और अब इस हालत में आ गए हैं कि इतने साल की सेविंग हमने लगा दी है पूरी, लेकिन अब हमारे हाथ में ना फ्लैट है और ना हमें ये लोग पैसा वापस कर रहे हैं। मैं अभी 3 साल में रिटायर होने वाला हूँ, सोचा कि रिटायरमेंट के बाद मुझे एक घर अपना घर रह जाएगा, इसलिए पूरा सेविंग जो भी है प्रोविडेंट फंड में और बाकी सभी वो लगा दिया और पर्सनल लोन्स ले लिया, तो पूरा लोन यहाँ भर दिया मैंने ताकि मैं रिटायरमेंट होते ही अपना घर में रहूँ क्वार्टर छोड़ के। लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से 1 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक चुकाए। इस तरीके से सचिन नायक ने करीब 1.5 करोड़ रुपए जुटा लिए। अनुमान है कि करीब 8,000 लोगों ने सचिन नायक के प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों को अब तक अपनी गाड़ी कमाई डूबती दिख रही है। जब हमारा चेक बाउंस हुआ था तो हम यहाँ पे कैंसिलेशन डिपार्टमेंट में आए, तो कैंसिलेशन डिपार्टमेंट में एक लेडी थी तो उसने हमें बोला कि वी आर सॉरी कि आपका चेक बाउंस हो गया है, तो उसने हमें उसी टाइम दूसरा चेक बना के दे दिया, तो वो जो चेक बना के दिया था वो हमने फॉलो अप किया, मतलब वो स्टेट बैंक में था, हमने फॉलो अप किया, वो अकाउंट क्लोज था। फिलहाल बिल्डर समेत कंपनी का टॉप मैनेजमेंट पुलिस हिरासत में है, लेकिन इन ग्राहकों के ड्रीम्स सिर्फ बुरे सपने बनकर रह गए हैं। But then in 2016 Sachin Nayak was arrested by the police. ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು, ಅನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ಪ್ರಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಅನ್ನುವ And then the case was moved to the CBI office. But few days ago we got a notice from the Office of Assistant Commissioner in Bangalore asking to show their claims of the properties we have purchased. This was not a direct message from the government, but what it seemed that government has recovered all the assets and properties. And we can expect the first installment of the refund in 1 year, which is a great news.
Thanks for watching, guys. I would request you all to please share this video with other people, your friends, your family, so that what has happened here with thousands of family, doesn't get repeated. Thank you.